नमस्कार, मैं सारिका श्रीवास्तव, स्वागत है आपका INN 24 में। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश किया। इस बजट को चुनावी बजट के रूप में देखा जा सकता है। रोजगार को लेकर वित्त मंत्री ने ये जरूर कहा कि हमारे पास 60 लाख अतिरिक्त नौकरियां देने की क्षमता है। 100 साल के लिए ढांचागत सुविधा बढ़ाएंगे। इसके अलावा डिजिटल करेंसी शुरू करने का ऐलान हुआ। क्रिप्टो करेंसी को वैध बताते हुए सरकार ने इस पर 30% टैक्स लगाने की घोषणा की है। इसके अलावा सरकार इस साल 5G सेवा शुरू करेगी। गांव-गांव में कनेक्टिविटी को और बढ़ावा दिया जाएगा। टैक्स पेयर्स को ये राहत जरूर मिली है कि ITR फाइल करने में और 2 साल तक की राहत दी गई है। गलती पता चलने पर 2 साल तक टैक्स चुकाकर अपडेटेड रिटर्न भरा जा सकता है। अगर बात बजट में सस्ते और महंगे सामान की करें तो विदेश से आने वाली मशीनरी सस्ती होगी और खेती के उपकरण भी सस्ते होंगे। कपड़े और चमड़े का सामान सस्ता होगा। आम आदमी को राहत नहीं है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। आम आदमी को इस बजट में इनकम टैक्स के मोर्चे पर कोई राहत नहीं मिल पाई और इनकम स्लैब में भी कोई बदलाव नहीं है। इसका साफ अर्थ है कि टैक्स के रूप में जाने वाली पूंजी पर कोई बचत नहीं मिलेगी। वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा कि जनवरी में GST कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर आया है। आर्थिक गतिविधियों में तेजी से GST कलेक्शन में महामारी के बावजूद अच्छा उछाल देखा गया है। मध्य वर्ग को फिर भी मायूसी है। मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर बड़ी उम्मीदें थे, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण से यह अछूता रहा है। यह लगातार 7वां ऐसा बजट था जिसमें इनकम टैक्स स्लैब पर कोई चेंज नहीं किया गया है। इसके अलावा डिडक्शन को लेकर भी कोई राहत नहीं दी गई है। किसानों के लिए बड़ा ऐलान। बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को डिजिटल सेवा दी जाएगी। तिलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने का अभियान शुरू किया जाएगा। इसके अलावा देश भर में केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में इसके पहले चरण की शुरुआत की जाएगी। At the outset, sir, I want to take a moment to express my empathy for those who had to bear adverse health and economic effects of the pandemic. वेदना व्यक्त करती हूँ जिनको नुकसान झेलना पड़ा है और अर्थव्यवस्था की वसूली परिलक्षित होती है। हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूती से उभरी है। चालू वित्त वर्ष में 9.2% की दर से जो सभी अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें हमारी अर्थव्यवस्था भी एक काफी महत्वपूर्ण स्थान है। मैं मानती हूं कि ओमिक्रॉन की का हमने दंश झेल रहे हैं और इसके आगे जिस गति से और वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है उससे काफी लाभ मिला है और इससे जो पिछले 2 वर्षों में काफी अधिक जो है सुधार हुआ है और हम इस चुनौती का सामना करने के लिए मजबूत स्थिति में हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सबके प्रयास से हम मजबूती से अपनी विकास यात्रा को जारी रखेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं। 25 वर्ष की लंबी यात्रा के बाद हम भारत 100 पर पहुंचेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में भारत 100 के दृष्टिकोण को निर्धारित किया है और अब हमारी सरकार का उद्देश्य अमृतकाल में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करके उस दृष्टिकोण को पूरा करना है। अमृतकाल में निर्धारित लक्ष्य इस प्रकार हैं: सूक्ष्म आर्थिक स्तर समग्र कल्याण पर जोर देते हुए व्यापक आर्थिक विकास में सहायता करना है, डिजिटल अर्थव्यवस्था, फिनटेक, प्रौद्योगिकी समर्थित विकास, ऊर्जा परिवर्तन तथा जलवायु कार्य योजना को बढ़ावा देना है, सार्वजनिक पूंजी निवेश की सहायता से निजी निवेश आरंभ करने के प्रभावी चक्र से लोगों को निजी निवेश से सहायता उपलब्ध कराना है। वर्ष 2014 से हमारी सरकार नागरिकों विशेष रूप से गरीबी तथा हाशिए पर रह रहे लोगों को सशक्त बनाने पर जोर देती रही है। इन उपायों से उन कार्यक्रमों को शामिल किया गया जिसमें लोगों को घर, बिजली, रसोई गैस तथा पानी मिला है। वित्तीय समावेशन तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को सुनिश्चित करने के लिए भी हमारे कार्यक्रम हैं।